मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को महतारी वंदन योजना की राशि खातों में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया था कि महीने के पहले सप्ताह में ही महिलाओं को राशि का भुगतान हो जाए, जिस पर वित्त मंत्री ने एक या दो तारीख को ही पैसे ट्रांसफर करने की बात कही है। आज यहाँ डोंडी लोहारा में डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र का ये चुनावी आम सभा था और भारी संख्या में गर्मी के बावजूद यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए और इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और सभी जिला के पदाधिकारी हमारे प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद रहे और आज की अवसर में 1500 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, जिसमें 30 सरपंच भी हैं और इस तरह का पूरा बिखराव छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस में है और देश में भी है। और कांकेर लोकसभा सीट भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम पूर्व सीएम है यहाँ पे आए थे बघेल, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी भाजपा की, वो धोखे से बनी है। ये उनका गलत सोच है, कोई सरकार धोखे से नहीं बनती है। उन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया, इसलिए जनता उनको सरकार से आउट कर दी। महतारी वंदन योजना की इस बार घोषणा की हमने 1 तारीख। हाँ, हमारा वित्त मंत्री जी को आग्रह है कि आप पहले सप्ताह में ही मतलब उनके खातों में महतारी वंदन का किस्त भेज दीजिए और उन्होंने कहा है कि अप्रैल में 1 या 2 अप्रैल को ही वो भेज देंगे। महोदय जी, ऐसा क्या कारण है कि गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है? कहाँ गुटबाजी है, गुटबाजी तो कांग्रेस में है। आज 5 प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो रहे 5 साल उनका विरोध हो रहा है, खुल के मंच में उनको गाली बक रहे हैं, इससे और कांग्रेस के लिए दुर्गति और क्या हो सकती है। अब बिलासपुर में अमरन अनशन में बैठ गया प्रत्याशी के खिलाफ में, इससे और कांग्रेस के लिए दुर्गति क्या हो सकती है। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून होगा कुछ?